औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI प्रधानमंत्री के स्किल्ड इंडिया कार्यक्रम के सपने को साकार करने में जुटा आज का नया भारत। भविष्य में कुशल नेतृत्व एवं दक्षता की नई उम्मीद है और उम्मीदों के इस सफर में रोशनी के सक्षम स्रोत बनकर खड़े हैं वो सभी इंस्टीट्यूट जो देश की आने वाली पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा में हर तरह से काबिल बना रहे हैं। रोशनी के उन्ही स्रोतों में से एक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI। कई लोग मुझसे पूछते हैं रिलेवेंट कैसे रहा जाए। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। वो तमाम ऐसे विद्यार्थी जिनकी रुचि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल तकनीकी शिक्षा की तरफ अधिक है, उनके लिए ITI करियर का एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, जिसमें प्रवेश लेकर वो न केवल खुद को औद्योगिक स्तर पर दक्ष बना सकते हैं बल्कि स्वयं का व्यवसाय शुरू करते हुए आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल भी कायम कर सकते हैं। ग्लोबल स्किल पार्क और बाकी ITI पे हम लगभग 1500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। बच्चों के हाथों में हमें हुनर देना है। हाथ में कौशल और हुनर आ गया तो फिर कोई समस्या नहीं है, प्रदेश में भी मिलेगा और देश में भी कहीं भी रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आमतौर पर ITI के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक ITI संस्थान उपलब्ध हैं, जो सफलतापूर्वक विभिन्न औद्योगिक ट्रेड्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। ITI क्यों करें? विशेषज्ञों के सहयोग से निर्मित ITI के कोर्सेज बाजार एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार किए जाते हैं, जिसका सुखद नतीजा ये होता है कि इन कोर्सेज को करने के बाद प्रशिक्षुओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता और कई बार तो कोर्स करते हुए ही विद्यार्थी की जॉब पक्की हो जाती है। किसी भी इंडस्ट्री में टेक्निकल फील्ड पे जो पोस्ट होती है उनमें अगर एक इंजीनियर की पोस्ट वैकेंट है, एक इंजीनियर के अंडर कम से कम 10 डिप्लोमा होल्डर्स काम करते हैं। उन 10 डिप्लोमा होल्डर्स के अंडर 100 ITI स्टूडेंट्स काम करते हैं, यानी यदि किसी इंडस्ट्री में एक इंजीनियर की पोस्ट है तो वहां पर 100 ITI होल्डर्स की पोस्ट निर्मित होती हैं। यानी ITI कोर्स करने के बाद जॉब प्राप्त करने के अवसर इंजीनियरिंग करने के बाद प्राप्त अवसरों से 100 गुना अधिक हैं। ITI की सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ उद्योगों से संबंधित 70% से अधिक प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाती है। संक्षेप में कहें तो यदि आप 10वीं के बाद जल्दी से रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं अथवा कोर्स पूरा होते ही औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो ITI आपके लिए एक श्रेष्ठ विकल्प है। यदि कोई विद्यार्थी 10वीं के बाद 2 वर्ष का ITI का प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उन्हीं 2 वर्षों में वो 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देकर और 11वीं 12वीं भी कर सकता है। अतः उसका समय का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके पास 2 प्रमाण पत्र होंगे, एक ITI का और 12वीं का। ITI करने के बाद भी अगर वो चाहे कि उसे पॉलिटेक्निक करना है तो पॉलिटेक्निक में भी उसे वरीयता मिलेगी और उसका प्रवेश सीधे द्वितीय वर्ष में होगा। ITI के ट्रेड्स और कोर्सेज क्या है? ITI में प्रमुख रूप से 2 तरह के ट्रेड्स होते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड्स और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं, एवं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत ड्रेस मेकिंग, कोपा एंड IT, कमर्शियल आर्ट्स एवं फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज होते हैं। इनमें से अधिकांश कोर्सेज की अवधि 1 या 2 वर्ष की होती है। ITI में आपकी रुचि के अनुसार बहुत सारे विषय उपलब्ध हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट इत्यादि। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनमें ITI के द्वारा आप ट्रेनिंग प्राप्त करके उन क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
यानी एक आपको अपार संभावनाएं मिलती हैं अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चयन करने की। आईटीआई संस्थान में कुल 90 ट्रेड्स में कोर्सेज किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिनकी मांग बाजार में हमेशा बनी ही रहती है। फिटर, इस ट्रेड के कोर्स की अवधि 2 वर्ष होती है एवं इसके अंतर्गत विद्यार्थी मशीनरी फिटिंग से संबंधित शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, 2 वर्ष की कोर्स अवधि वाला ये ट्रेड इलेक्ट्रिकल कार्यों से संबंधित शिक्षा देता है, जिसे करने के पश्चात विद्यार्थी ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन के रूप में करियर बना सकते हैं। डीजल मैकेनिक, इस ट्रेड के अंतर्गत डीजल मैकेनिक कार्य संबंधित शिक्षा दी जाती है। ये कोर्स विद्यार्थियों को डीजल मैकेनिक के रूप में करियर का विकल्प देता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष है। वेल्डर, वेल्डिंग से संबंधित कार्यों की शिक्षा देने वाला ये कोर्स विद्यार्थियों को एक प्रोफेशनल वेल्डर के रूप में दक्षता प्रदान करता है एवं इसी क्षेत्र में रोजगार के विकल्प देता है। इस कोर्स की अवधि भी 1 वर्ष है। कारपेंटर, लकड़ी पर कारीगरी का हुनर सिखाने वाला ये कोर्स विद्यार्थियों के लिए रोजगार की नई राह खोलता है। इस कोर्स की अवधि भी 1 वर्ष है। ड्रेस मेकिंग, फैशन एवं परिधानों की दुनिया के लिए हुनरमंद बनाने वाला ये कोर्स विद्यार्थियों के लिए करियर का बेहतरीन विकल्प है, जिसकी अवधि भी 1 वर्ष है। कोपा एंड आईटी, व्यावसायिक कंप्यूटर कार्यों की प्रोफेशनल एवं तकनीकी शिक्षा देने वाला ये कोर्स आईटी क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अनेक विकल्प खोलता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष होती है। प्लम्बर, 1 वर्ष की अवधि वाले इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थी प्रोफेशनल प्लम्बिंग की शिक्षा प्राप्त करके इस क्षेत्र में सफल करियर बना सकते हैं। स्टेनो इंग्लिश एवं स्टेनो हिंदी, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कराए जाने वाले इस कोर्स को करके विद्यार्थी आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि भी 1 वर्ष है। ब्यूटीशियन, सौंदर्य उद्योग भारत का तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए विद्यार्थी ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि भी 1 वर्ष है। आईटीआई में विभिन्न ट्रेड्स के ये और ऐसे अनेक कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनकी शिक्षा ग्रहण करके विद्यार्थी न सिर्फ तुरंत रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इन कोर्सेज को करने के बाद संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षा का लाभ लेकर करियर की नई संभावनाएं भी तलाश कर सकते हैं। कोर्सेज के बाद क्या? किसी भी कोर्स को करने के बाद सबसे जरूरी होता है उस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना। आईटीआई के कोर्सेज डिजाइन ही इस तरह से किए जाते हैं कि इनको कंप्लीट करते ही तुरंत जॉब प्राप्त की जा सके। प्रदेश के आईटीआई संस्थानों से कोर्स करने वाले अनेक विद्यार्थी देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में अच्छे पैकेज पर कार्य कर रहे हैं। आईटीआई की है और उसी समय मुझे पता चला कि अप्रेंटिस के लिए कॉम्पिटेंस से कंपनी आई हुई है। फिर मैंने यहाँ पे रिटर्न और एग्जाम दिया, उसमें मेरा हुआ। मैंने 8 साल अप्रेंटिस करी, 1 साल अप्रेंटिस करने के बाद मैं यहाँ पे परमानेंट हूँ। मैं जबलपुर आईटीआई से पास आउट हूँ। मैं यहाँ अप्रेंटिसशिप करने आया था और मेरा यहाँ कन्फर्मेशन हो गया। ये हमारे करियर के लिए बहुत अच्छी कंपनी रही है। मेरे यहाँ जो अप्रेंटिस करने के लिए आईटीआई से टेक्नीशियन आते हैं, वो इतने स्किल्ड रहते हैं कि उनको यहाँ सिखाने में परेशानी नहीं आती है। वो जल्दी से काम सीख जाते हैं और उनको परमानेंट करने के लिए भी हम लोगों को आसानी रहती है। आईटीआई कोर्स कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थी के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला ये कि वो कोर्स पूरा करके संबंधित क्षेत्र की कंपनी में जॉब करे, दूसरा वो खुद का व्यवसाय प्रारंभ करे, और तीसरा अपनी तकनीकी शिक्षा को जारी रखते हुए उसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कोर्स करे। जॉब प्लेसमेंट के लिए आईटीआई संस्थान ने बड़ा ही आसान और बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार किया है। इसके लिए सरकार द्वारा एक स्टेट एम्प्लॉयमेंट सेल का गठन किया गया है, जो प्रशिक्षण के पश्चात विद्यार्थी को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाता है। कौशल विकास संचालनालय में रोजगार प्रकोष्ठ जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर गठित किया गया है। जिला स्तर पर जो हमारे टीपीओ हैं, वो विभिन्न
जिले के अंतर्गत प्रतिष्ठानों से संपर्क कर प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करते हैं और हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, आईटीआई उत्तीर्ण, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य रोजगार प्रकोष्ठ में आईटीआई के जैसे ही बच्चा उत्तीर्ण करता है उसको रोजगार के अच्छे और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु देश एवं प्रदेश की कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्लेसमेंट ड्राइव आयोजन करते हैं। स्टेट एम्प्लॉयमेंट सेल के द्वारा फ्लेक्सी एमओयू, एमओयू, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेसमेंट ड्राइव, सेक्टर स्पेसिफिक ड्राइव्स एवं विभिन्न कार्यशालाओं के आयोजन जैसे कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में आईटीआई द्वारा ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के रूप में एक और बेहतरीन पहल की गई है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को थ्योरी वाली पढ़ाई इंस्टीट्यूट में कराई जाती है एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए संबंधित उद्योग में ले जाया जाता है। ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत छात्रों का जो प्रमाण पत्र है वह सामान्य आईटीआई के समान होता है, कोर्स करिकुलम भी वही होता है तथा एग्जामिनेशन पैटर्न भी वही होता है। केवल उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और अधिक बढ़ाने के लिए वे अपना प्रैक्टिकल पोर्शन इंडस्ट्री में करते हैं। हमारे कई छात्र हैं जो पिछले बैचेस में ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत जिन्होंने इंडस्ट्रीज में प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद वे वहीं के परमानेंट एम्प्लॉयज भी बन गए हैं, बिकॉज उनके रोजगार प्राप्त करने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं जब वे ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मारुति सुजुकी ने आईटीआई में एक अपना खुद का वर्कशॉप सेटअप करके दिया, जिससे कि हमें ट्रेंड मैनपावर मिलते हैं, जिससे हमें उन्हें बताने की समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है और वह स्किल्ड मैनपावर ही मिलता है हमें। इसके साथ ही हर संस्थान के भीतर भी एक प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है, जहां ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर यानी टीपीओ विद्यार्थी को उसकी इच्छा और योग्यता के अनुरूप जॉब उपलब्ध करवाने में हर तरह से सहायता करते हैं। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्टेट अप्रेंटिसशिप मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है। इस सेल का उद्देश्य आईटीआई प्रश्नार्थियों को अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिसशिप के मौके प्रदान करने हैं। कैंपस एंड फैसिलिटीज। आईटीआई संस्थानों के कैंपस में विद्यार्थियों की सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निर्मित भवन, प्रायोगिक शिक्षा के लिए आधुनिक मशीनरी, बाजार के अनुरूप तैयार करवाते हुए अनुभवी शिक्षक, सर्व सुविधा युक्त आवासीय हॉस्टल्स, मनोरंजन के लिए खेल कूद एवं समय समय पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम। यही नहीं, विद्यार्थी यहाँ आईटीआई की एनसीसी शाखा से जुड़कर कैडेट के रूप में भी अपना व्यक्तित्व विकास करते हुए देश सेवा कर सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया। आईटीआई की एडमिशन प्रक्रिया अब पूरी तरह पारदर्शी एवं ऑनलाइन कर दी गई है। एडमिशन प्रक्रिया, ट्रेड्स, कोर्स एवं इंस्टीट्यूट की संपूर्ण जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट mpskills.gov.in या dsd.mpgov.in पर विजिट करें। मेरा प्रगति ताइडे शेंडे है। मैं दानिश कुंड डीसी में 33x11 केवी मंदाकिनी सब स्टेशन पर कार्यरत हूँ। मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी, इसलिए मैंने आईटीआई ज्वाइन करी। आईटीआई ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ से पास आउट हुई, फिर मैंने ट्रेनिंग करी बीएचएल से और इसके बाद एमपीबी की उस समय वैकेंसी निकली और मैंने इसमें अप्लाई करा, जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैं आज यहाँ पर कार्यरत हूँ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, खुद के लिए भी। मेरा नाम अभिषेक पाटिल है। मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में था, इसलिए मैंने एक साल आईटीआई से कटिंग एंड सीइंग टेक्नोलॉजी का कोर्स करा, जहां मुझे टेक्निकल से लेकर थियोरटिकल तक हर चीज़ की नॉलेज दी गई, जिसमें कपड़े की कटिंग से लेकर कपड़े रिपेयर करना तथा मशीन से लेकर हर चीज़ का नॉलेज था। उसके बाद मैंने एक ब्रांड ओपन करा है मेरा, जिसका नाम मंशा भी है, जो मेंस एंड वुमेंस वेयर दोनों में डील करता है। फैशन डिज़ाइनिंग मेरा सपना था, जो कहीं ना कहीं आईटीआई की वजह से ही पूरा हुआ है। आईटीआई में कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें करके आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। मेरा नाम नेहा नसीम है। मैं राजू मोड़ा जंक्शन मारुति सुजुकी में वारंटी कोऑर्डिनेटर हूँ। 2016 में मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया था मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड में और 2018 में वहाँ से पास आउट हुई। देन मारुति से वहाँ पे कैंपस गया था, उस कैंपस में मैंने अपना पार्टिसिपेट किया, उस पार्टिसिपेट करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और आज मैं राजू मोड़ा जंक्शन में वारंटी कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं अपने सपनों को जी रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये और ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने आईटीआई से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी सफलता के नए मुकाम हासिल किए हैं और आज भी कर रहे हैं। तकनीकी रूप से दक्ष होकर तेजी से बदल रहे नए भारत के इस सफर में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं
और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं।